लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए आशा कार्यकर्ता सहायिका आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई देने लगी हैं। उन्होंने गांधी उपवन छावनी में सोमवार से धरना शुरू कर दिया है। आशा सुपरवाइजर के जिलाध्यक्ष रेखा अजमेरा ने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत बार आश्वासन दिया है कि आशा उषा के लिए 10,000 की राशि एवं आशा सुपरवाइजर के लिए 15,000 की राशि मासिक वेतन NRHM के अंतर्गत कर दी गई है, लेकिन सरकार अभी टालमटोल कर रही है। ना तो वेतन बढ़ाया जा रहा है और ना ही नियमितीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण यह धरना शुरू किया गया है और 18 नवंबर तक धरना दिया जाएगा। फिर 19 को जिला आगर की चारों ब्लॉकों की समस्त आशा उषा एवं आशा सुपरवाइजर कर्मचारी श्रमिक संघ के आवाहन पर पुरानी धान मंडी से मांगों के संबंध में शहर में रैली निकाली जाएगी। यह रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगी और वहां मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। धरने के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।